नमस्कार द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है आइए एक नजर डालते हैं आज के पर। मुख्य सचिव ने ई पत्रिका को किया जारी आपातकालीन हेल्पलाइन को एक ही हेल्पलाइन में एकीकृत 112 नंबर की हुई शुरुआत और मध्योत्तर अंडमान जिले में स्वच्छ पंचायत अभियान के तहत मुहिम अब विस्तार से प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने हाल ही में मत्स्य विभाग के मत्स्य संग्रहालय सीवशाला का दौरा किया उनके साथ आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल और मत्स्य सचिव विश्वेंद्र भी थे दौरे के दौरान मत्स्य निदेशक श्री विक्रम सिंह ने मुख्य सचिव को संग्रहालय सह जल जीवशाला के पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित विकासात्मक परियोजनाओं से अवगत कराया जिसमें बड़े एक्वारियम टैंक विशेष बेलनाकार टैंक और अत्याधुनिक टच पुल शामिल होंगे जो पर्यटन को बढ़ावा देंगे और समुद्री जैव विविधता के साथ पर्यटकों की बेहतर समन्वय पर भी ध्यान केंद्रित करें उपनिदेशक ने मुख्य सचिव को मत्स्य संग्रहालय सह जल जीवशाला में प्रदर्शित जीवित समुद्री सजावटी मछलियों संरक्षित समुद्री नमूनों के साथ संग्रहालय में प्रदर्शित मूंगों के बारे में जानकारी दी मुख्य सचिव ने गहरी दिलचस्पी ली और समुद्री सजावटी मछलियों के रख रखाव और प्रदर्शन के लिए मत्स्य विभाग की सराहना की उन्होंने विभाग को मछलियों के जीवंत जल जीवशाला का प्रदर्शन करने और पर्यटकों के लिए आकर्षण के रूप में बड़े आकर्षक साइनेज लगाने का भी निर्देश दिया द्वीप प्रशासन के मत्स्य विभाग की ई पत्रिका का पहला संस्करण मत्स्य दृष्टि 21 मई को सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में मुख्य सचिव केशव चंद्र द्वारा जारी किया गया था इस अवसर पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे मुख्य सचिव ने पत्रिका निकालने के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना की जो द्वीपों के मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में अंडमान निकोबार प्रशासन की विकासात्मक पहलों को उजागर करने वाली अपनी तरह की पहली पत्रिका है पत्रिका द्वीपों से समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य क्षेत्र में रणनीतिक कार्यक्षेत्रों पर प्रगति का व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण करती है इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य विभाग की प्रमुख पहल और विभिन्न हितधारकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत माइक्रो फाइनेंसिंग वाणिज्यिक झींगा पालन के हालिया विकास घरेलू मछली विपणन को बढ़ावा देना और विभिन्न विस्तार और कौशल उन्नयन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है इसमें मत्स्य विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों और आंकड़ों को भी दर्शाया गया है इस तरह की पत्रिका प्रकाशित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से जलीय कृषि गहर समुद्र में मछली पकड़ने और फसल कटाई के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में वाणिज्यिक मत्स्य गतिविधियों के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के विकास और अवसरों को प्रदर्शित करना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में 19 अप्रैल को 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा के लिए दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई बैठक की शुरुआत करते हुए शुरुआत में निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिभागियों से 4 जून को वोटों की गिनती के लिए निर्धारित जेएनआरएम काउंटिंग सेंटर पर मतगणना का सुचारू सुनिश्चित करने का आग्रह किया उन्होंने अधिकारियों को सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक की देखरेख और उपस्थिति के समय पर गिनती प्रतिक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए मतगणना केंद्र पर पहले से ही आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होंगी उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर अलग अलग कार्य सौंपे गए अधिकारियों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतगणना दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन करना चाहिए और उनसे अपने काम को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निष्पादित करने का आग्रह किया आपातकालीन हेल्पलाइन को एक ही हेल्पलाइन में एकीकृत करने की भारत सरकार की पहल के परिणाम स्वरूप 112 नंबर की शुरुआत हुई है ई आर एस एस एकीकृत एक एक अंडमान व्यापी प्रतिक्रिया प्रणाली है जो एकल नंबर 112 के माध्यम से पहुंच योग्य है जो पुलिस अग्निशमन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसी एजेंसियों से तत्काल सहायता प्रदान करती है संकट में कोई भी नागरिक अपने फोन से 112 डायल कर सकता है किसी भी स्मार्टफोन पर पावर बटन को तीन बार दबा सकता है या समर्पित डायल 112 नियंत्रण कक्ष में एक पैनिक कॉल को सक्रिय करने के लिए नियमित फोन पर पांच या नौ कुंजी को लंबे समय तक दबा सकता है इसके अतिरिक्त एस ओ एस अलर्ट ई मेल के माध्यम से या 112 इंडिया मोबाइल अलर्ट ई मेल के माध्यम से या 112 इंडिया मोबाइल ऐप का उपयोग करके भेजा जा सकता है इस प्रणाली में पुलिस अग्निशमन स्वास्थ्य और अन्य एजेंसियों से सहायता के लिए आपातकालीन अनुरोधों को संभालने के लिए प्रशिक्षित कॉल टेकर्स और डिस्पेचरों से युक्त एक समर्पित डायल 112 नियंत्रण कक्ष शामिल है सभी कॉल लॉग डिजिटल से बनाए रखे जाते हैं यह नियंत्रण कक्ष पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों और विभिन्न विभागों के नियंत्रण कक्षों से जुड़ा हुआ है दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद में आप सभी का पुनः स्वागत है। मध्योत्तर अंडमान जिले में स्वच्छ पंचायत अभियान को और अधिक गहन किया गया है जिला उपायुक्त दिलकुश मीना के नेतृत्व में विभिन्न पंचायतों में स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की गई। इस अभियान में स्थानीय नेता पंचायत सदस्य और स्थानीय लोग शामिल हुए पंचायत की ओर से क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का कार्य किया गया बारिश के कारण नालों में पानी जमाव न हो इसके लिए बीते दस दिनों में ड्रेनेज को ठीक किया गया इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों सार्वजनिक पार्कों और अन्य क्षेत्रों की साफ सफाई की गई साथ ही उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दिया गया अपशिष्टों का उचित निपटान किया गया लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूक किया गया जिला उपायुक्त ने नियमित अंतराल में पंचायतों को स्वच्छ रखने के महत्व पर बल दिया उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है आने वाले दिनों में स्वच्छ पंचायत अभियान जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगा दूरदर्शन केंद्र पोर्टलर द्वारा आकस्मिक उद्घोषकों और प्रस्तुतकर्ताओं का पैनल तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट स्वर परीक्षण और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा उम्मीदवारों को किसी भी भाषा में स्नातक होने के साथ साथ हिंदी एक विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है पोर्टेयर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले 30 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दूरदर्शन से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर और उसे पूर्ण रूप से भरकर 31 मई तक कार्यक्रम प्रमुख के पास जमा कर सकते हैं चुने जाने वाले उद्घोषक और प्रस्तुतकर्ता नियमित रोजगार के लिए दावेदार नहीं होंगे ऐसे उम्मीदवारों की सेवाएं जरूरत के आधार पर ली जाएगी दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्र कैजुअल कंप्यूटर ग्राफिक ऑपरेटरों का पैनल तैयार करने जा रहा है इस पद के लिए उम्मीदवार दूरदर्शन केंद्र पोर्टल से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर और उसे पूर्ण रूप से भरकर 31 मई तक कार्यक्रम प्रमुख के पास जमा कर सकते हैं चुने जाने वाले उम्मीदवारों को कार्यक्रम तैयार करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स को तैयार करना होगा पात्र उम्मीदवारों की आयु सीमा चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए चुने जाने वाले उम्मीदवार नियमित रोजगार के लिए दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवाएं ली जाएंगी दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद लक्शेरियस टोयटा कार्स डिलीवर्स एनी मॉडल विद इन थर्टी डेज एट ऑल इंडिया प्राइस कम टेकरी ऑन Prince Toyota, Kiaracharma, portlay added attraction and high-tech workshop at New Pahar near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 876883882. समाज कल्याण निदेशालय के राज्य बाल संरक्षण संस्था की ओर से बच्चों के लिए वेकेशन रिक्रिएशन फिटनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया पोर्टब्लेयर में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री शिवा प्रसाद मुख्य अतिथि थे इनके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग के रविंदर राव पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद बच्चे और अन्य लोग उपस्थित थे बाल संरक्षण संस्था की ओर से अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया कोमल आनंद ने अपनी बात रखी काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए सर ने थोड़े दिन पहले कंसंट्रेशन के ऊपर वर्कशॉप भी ली थी यहाँ पर ओपन टू ऑल बच्चे काफी आए थे यहाँ पर और बहुत अच्छा वर्कशॉप था वो भी आ, तो हमने इस हैप्पीनेस के ऊपर आ, मैंने और रेहाना ने उनको रिक्वेस्ट करी आ, कि सर हम एक ये वर्कशॉप करना चाहते हैं दो तो दिन का मुख्य अतिथि और अन्य लोगो ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया मुख्य अतिथि ने बच्चों को संबोधित करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए प्रोसेस When the children end up uh, joining hands with many other children who are standing far away in a circle, so and only one pair of hands is open, and then it is like a game where they learn to provide solutions to problems, and uh, to that extent, uh, it uh, builds up their innate skill to always look for solutions rather than keeping their mind involved around problems. Yeah. And that's with the way that they move forward in life while looking for solutions and not keep themselves focused on problems. Yeah. And that helps them one hell of a lot to form their mind in terms of how they come up from below the hands, from above the hands, they jump over and then they move around and things like that. Yeah, it's uh, you know, it has to be demonstrated by adults first so that uh, this young age kids uh, understand uh, the process and then they end up uh, playing the game in a much more better manner. But for the paucity of time, I thought I will get them directly to do it. Yeah. So, that's the whole process of human not untangling. इसके बाद बच्चों ने आर्ट ऑफ लिविंग जुम्बा और हैप्पीनेस कक्षाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया किसी का भी तीन हाथ नहीं है तो कोई भी हाथ खाली नहीं होना चाहिए आपदा प्रबंधन निदेशालय ने भारी वर्षा के दौरान लोगों को सतर्क रहने और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए टूटे हुए कंडेक्टर केबल और बिजली की खंभों से दूर रहने की सलाह दी है भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को नुकसान हो सकता है लोगों से अनुरोध किया गया है कि ट्रांसमिशन लाइनों पर पेड़ों और शाखाओं के गिरने बिजली के खम्भों के गिरने और बिजली के तारों के टूटने की सूचना अपने नजदीकी विद्युत विभाग के सहायक कार्यालयों में देने को कहा गया है विद्युत केंद्रीय नियंत्रण कक्ष टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य तीन चार एक एक एक, एक, एक 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 या फिर निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करने को कहा गया है और अब मौसम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 30 मई तक एक दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सती हवा चलेगी जिसके बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है 30 मई को सवेरे साढ़े आठ बजे से लेकर 1 जून को सवेरे साढ़े आठ बजे तक एक दो स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है इस दौरान समुद्र बहुत अधिक अशांत रहेगा मछुआरों को 29 मई तक समुद्र में न जाने को कहा गया है किसी भी आपात स्थिति में राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने को कहा गया है इस बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर एक शून्य सात शून्य तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर एक शून्य सात सात पर संपर्क किया जा सकता है समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर एक पांच पांच चार पर संपर्क किया जा सकता है अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना एमबी छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े पांच बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बारह बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्टब्लेयर के लिए होगी एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े छह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे नौ बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे साढ़े छह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे आठ बजकर पैंतालीस मिनट पर शहीद द्वीप से ब्लेयर के लिए होगी एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में ग्यारह बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा यह जलियान कल दोपहर एक बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा और स्वराज द्वीप से इसकी पोर्ट ब्लेयर वापसी दोपहर बाद ढाई बजे होगी एमवी लॉन्ग आइलैंड द्वीप की यात्रा पर कल दिन में साढ़े ग्यारह बजे ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल दोपहर बाद दो बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा इसकी वापसी शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए कल शाम साढ़े तीन बजे होगी एम वी स्ट्रेट आईलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम तीन बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे साढ़े पांच बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए ब्लेयर के लिए होगी सभी जलियानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे अंत में मुख्य अंश एक बार फिर मुख्य सचिव ने ई पत्रिका को किया जारी आपातकालीन हेल्पलाइन को एक ही हेल्पलाइन में एकीकृत 112 एक नंबर की हुई शुरुआत और मध्योत्तर अंडमान जिले में स्वच्छ पंचायत अभियान के तहत मुहिम इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है नमस्कार